कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के लंबे समय के बाद अब फिर से जीवन पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर सैलून संवर्ग के कारोबारी सरकारी फैसले से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि वर्तमान लॉकडाउन 4 के दौरान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन सैलून कारोबार के लिए रखा गया है, जो इनके लिए मुनासिब नहीं है। आइए जानते हैं कारोबारों की राय। सरकार से हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का थोड़ा उचित अति दिया जाए, समय दिया जाए और उचित दिन दिया जाए जिसमें हम लोग कमा सकें। जिसमें संडे हो गया, फिर सोमवार हो गया और बुधवार हो गया और शुक्रवार हो गया। हम लोग के सुबह 6 से 12 बजे तक ही के लिए टाइम मिला, ज्यादा नहीं खोज रहे हम लोग। आम लोगों की मान्यता भी तय दिनों के खिलाफ ही है। जो गवर्नमेंट ने अभी रूल बनाया ये कि लॉकडाउन में अगर सैलून की बात करें तो उन्होंने मंगल, बृहस्पति, शनिचर, जबकि ये सब बिहार के लोग ज्यादा करके सब दिनों कटाते नहीं बाल, वो कटाते हैं और ये दिन मंडे हो गया या फिर वेंसडे हो गया या फिर फ्राइडे हो गया, संडे हो गया ये सब, बट गवर्नमेंट ने सब अपोजिट रखा है, उल्टा कर दिया है। बात करें यदि विशेषज्ञ की तो ये भी मानते हैं कि मंगलवार, गुरुवार की तरह शनिवार को बाल, दाढ़ी एवं नाखून नहीं बनाया जाना चाहिए। ये तो सरकार का अनुचित है, जो पूर्वजों से होता आया है, जो हमारे इतिहास में, पुराणों में, पद्धतियों में है, उसके अनुसार तो सरकार ये जो दिन चेक किया है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को, यह गलत है, यह गलत है, यह लोगों के लिए श्रद्धा की चीज नहीं है। और इस दिन दुकानें या सैलूने खोलने से हम लोगों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है। परंपराओं के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह की रीतियां हैं और लोग उसके अनुसार काम करते हैं। बहरहाल सैलून के संचालकों के सामने घोर आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। SDF न्यूज पटना।